मैं हूँ सुनीता गुप्ता रेसिपी सबसे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को भी जरूर शेयर करें। तो मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है बासमती चावल, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। और इस चावल को हम सबसे पहले 3 से 4 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सोक करके रखेंगे करीब आधा घंटे के लिए। तो पूरा भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिए। जब भी आप पुलाव या राइस बनाइए तो इस तरह से चावल को ज़रूर से सोक करिए। इससे चावल बहुत ही खिला खिला और सॉफ्ट बनता है। सोक होने के बाद चावल देखिए इसका कलर फेयर हो गया है। अब इसका हम पानी निकाल कर साइड में रख देंगे। तो पूरी अच्छी तरह से पानी आपको निकाल देना है। अब यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने 1 इंच के क्यूब में काट लिया है। पुलाव में पनीर डालने के लिए आप इसे थोड़े बड़े साइज में ही काटें। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल ले रही हूँ और 1 छोटा चम्मच 1 कॉर्नफ्लावर है मैं डाल रही हूँ। एक अच्छा सा कोट आ जाएगा तो जब हम ये फ्राई करेंगे तो पैन में चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा कलर आता है। कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। पैन में तेल डालिए 1 चम्मच और अच्छी तरह से पूरा तेल को फैला लीजिए। और पैन अच्छी तरह से गर्म हो तब इसमें आप पनीर डालें तो पनीर चिपकेगा नहीं पैन में और अच्छी तरह से ये फ्राई होता है। तो पनीर में आपको एक अच्छा सा कलर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई मत करिएगा, हाई फ्लेम पर फटाफट इसे फ्राई कर लीजिएगा। इससे पनीर हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट बना रहता है। इस तरह से जब आपका भी पनीर एकदम ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे तुरंत आप एक अलग से प्लेट में निकाल लीजिए। पैन में आप रखेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और चूई हो जाएगा। पुलाव को मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है, साथ में घी भी डाला है। और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डालिए 1 टीस्पून, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी मैंने डाला है, 3 से 4 छोटी इलायची, 7 से 8 कबाब चीनी डाला है और तेज़पत्ता डाल लीजिए। और इन तड़कों को हमें अच्छी तरह से स्प्लटर करना है। थोड़ा ब्राउन कलर आ जाएगा तब इसमें मैं काजू डाल रही हूँ। 1/2 कप काजू है जो 2 टुकड़ों में करा हुआ है और 2 मीडियम साइज का प्याज मैंने लंबाई में काटा है। और इसे थोड़ा मैश करके आप डालेंगे तो एकदम जो प्याज है ना खिला खिला बनता है और अच्छी तरह से एक बराबर फ्राई होगा। तो अब इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए काजू और प्याज का कलर कितना सुंदर आया है, एक जैसा है, कुछ भी जला नहीं है। तो प्याज एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। तो बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए चावल में। और जब इस तरह से हम डालेंगे तो फ्राई करने में बहुत आसानी रहता है, नहीं तो चावल में पानी रहेगा ना तो पानी ही जलने लगेगा और चावल अच्छी तरह से फ्राई नहीं होता है। तो थोड़ी देर के लिए चावल को फ्राई करना ज़रूरी होता है पुलाव में। और इस चावल को मैंने करीब 1 मिनट तक फ्राई किया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावल की और ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर भी आ गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जब भी आप पुलाव में पानी डालें तो गर्म पानी डालें, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। और जितना चावल हमने लिया है उसका 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 प्लस 1/4 कप पानी डाला है और ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। ओपन आप बना रहे हैं तो आप 2 कप पानी डालिए क्योंकि वो खुला हम बनाते हैं उसे। अब इसमें मैंने हरी मिर्ची, थोड़ा मटर डाल दिया है, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसमें लेमन जूस ज़रूर डालिए 1/2 टीस्पून के बराबर, जिससे चावल यानी जो भी पुलाव है आप बना रहे हैं बहुत खिला खिला बनेगा। अब इस तरह से हम चावल को एक लेवल में कर लेंगे। इसके ऊपर हम पनीर के पीसेस को रखेंगे क्योंकि पनीर के पीसेस को डालकर आप चावल में मिलाएंगे ना तो पनीर नीचे जाने के बाद आप जब इसे निकालेंगे तो टूट जाएगा। अब इसके लिड को लगाकर हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुक करने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। शुरुआत में हाई फ्लेम पर पहले इसमें गैस को बनने दीजिए। जब गैस बन जाए तो धीमी आँच पर इसे पकाइए 1 सीटी आने तक। एकदम अच्छी तरह से पकेगा और जलेगा नहीं पुलाव, एकदम खिला खिला बनता है। अब ये देखिए 1 सीटी आ गई है धीमी आंच पर। अब मैंने गैस को तुरंत बंद कर दिया और अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। और लीजिए ये देखिए बढ़िया सा पुलाव तैयार है। बहुत ही लाजवाब ये पुलाव बना है, एकदम खिला खिला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें जो खड़े मसाले हैं आप उसे निकाल लीजिए, ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती ज़रूर से डालिए। और ये देखिए पुलाव बहुत परफेक्ट बना है, चावल एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है।
आप इस पुलाव के साथ किसी भी तरह का रायता सर्व करिए, काफ़ी मज़ेदार लगेगा। या फिर आप बैंगन का सालन बना लीजिए या फिर मिर्ची का सालन बना लीजिए, बहुत परफेक्ट लगता है। और हमारा पुलाव देखिए कितना बढ़िया खिला खिला बना है। ज़रूर से अपने घर पर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।